आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। दोस्तों, ये एक अरबी की पुरानी कहावत है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये 6 मिलियन टन वजन का ग्रेट पिरामिड बनाया, और इससे जुड़े 10 फैक्ट्स जानने वाले हो कि शायद आप पहले जानते होंगे। और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज के टेक्नोलॉजी के द्वारा पहले जैसा पिरामिड बनाना नामुमकिन है, और आज से करीब 4,000 साल पहले इतने भारी भरकम पत्थरों को एकदम सटीक तरीके से कैसे बनाए होंगे और इतना ऊपर तक कैसे पहुंचाए होंगे। नंबर 1, आप सब जानते होंगे पिरामिड को मिस्र के राजाओं को दफनाने के लिए बनाया था, लेकिन आज तक पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिला। और पिरामिड को क्यों और कैसे बनाया था, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। हालांकि बहुत सारी थियोरीज हैं जो पिरामिड को क्यों और कैसे बनाया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक भी थियोरी सटीक नहीं है। और बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि पिरामिड को बनाने में परग्रहियों का हाथ है, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 2, प्राचीन 7 अजूबे में से सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड बचा है, बाकी 6 अजूबे वक्त के साथ नष्ट हुए हैं। नंबर 3, पिरामिड के सामने ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको फेनिक्स कहते हैं। ये क्यों बनाया था ये आज तक कोई नहीं जानता। ये स्ट्रक्चर शरीर से शेर लगेगा, लेकिन इसका सिर एक इंसान की तरह है। ये माना जाता है कि स्फिंक्स का ये चेहरा राजा काफ्रे को दर्शाता है। नंबर 4, 481 फीट का ये पिरामिड बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर छुपाया है, और ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड का सबसे ऊपर का भाग पहले सोने से बना था। आपको बता दूं, सोना इलेक्ट्रिक सप्लाई करने में बहुत अच्छा होता है, और साइंटिस्ट ऐसे दावा करते हैं पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया था। ये कितना सच है कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, गीजा का ये महान पिरामिड जब बनाया था तब ये 481 फीट था, लेकिन हजारों साल में बारिश और अर्थक्वेक की वजह से ये अब 455 फीट है। नंबर 6, जब आप इस महान पिरामिड को देखते हो तब आपको इतना खास नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसके बारे में जानोगे तो जरूर आप चौंक जाओगे। गीजा का महान पिरामिड को बनाने के लिए करीब 25 मिलियन स्टोन्स यानी 25 लाख पत्थर को लाना पड़ा, और एक पत्थर का वजन करीब 4 टन से 5 टन है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को इतने सटीक तरीके से लगाया है, और कैसे इतने विशाल पत्थरों को ऊपर तक ले जाया होगा, और उस समय तो पहिए यानी टायर का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। नंबर 7, द ग्रेट गीजा पिरामिड का वजन करीब 6.5 मिलियन टन है। दुनिया की सबसे ऊंची और फेमस बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 मिलियन टन है। वजन के मामले में द ग्रेट गीजा पिरामिड बुर्ज खलीफा से 1.5 मिलियन टन ज़्यादा है। नंबर 8, अगर आप रात को पिरामिड्स को देखते हो तब आपको एक कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के नक्षत्र के साथ एलाइन करते हुए दिखेगा। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट, और उन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एलनीटैक, एलनीलाम, मिनाटका, ये स्टार्स पिरामिड को सिंक होते हुए दिखेगा। इन तीनों स्टार्स का पोजीशन और अलाइनमेंट सेम है पिरामिड से। नंबर 9, इस पूरी धरती का सेंटर वहाँ है जहाँ ये पिरामिड्स बना है, लेकिन आपको ये बात बता दूँ, उस समय तो ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी था जो धरती का सेंटर पॉइंट कर सके, और उस समय धरती गोल है। इस स्टेटमेंट को बोलने वाले को लोग पागल कहते थे, और ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। नंबर 10, इजिप्ट में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन सब में आपको अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ये देखो, ये दिखने में सेम प्लेन की तरह है, और ये सेम एलियंस की तरह दिखता है। और यही नहीं, यहाँ आपको एरोप्लेन, यूएफओ, हेलीकॉप्टर के जैसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इन सब को देखकर साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में एलियंस का ही हाथ है, उन्होंने ही ये महान पिरामिड्स को बनाया है। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, एलियंस ने ही पिरामिड्स को बनाया या इंसानों ने?
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो रिसेंटली अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।